हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल व्हीकल टीवी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने व्हीकल का एप्लीकेशन नंबर किस तरीके से देख सकते हैं। चाहे आपका व्हीकल ट्रांसफर की एप्लीकेशन हो, या व्हीकल एचपी टर्मिनेट की, या डुप्लीकेट आरसी, या एड्रेस चेंज, या अदर कोई भी एप्लीकेशन हो, तो उसका आप एप्लीकेशन नंबर किस तरीके से देख सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से, तो अपना जीमेल अकाउंट लॉग इन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करोगे, राइट साइड में घंटे का निशान आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिएगा और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो चलो दोस्तों, वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। किसी भी सर्च इंजन में सर्च कर दीजिएगा आप परिवहन। उसके बाद जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है, होम परिवहन सेवा मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इस पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब सिंपली आप अदर्स ऑनलाइन सर्विसेज पे क्लिक करके व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, कौन से स्टेट का आपका वाहन है, और उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होके आ जाएगा। अब जिस आरटीओ में भी आपने अप्लाई किया है, तो वो आरटीओ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करोगे, तो उस आरटीओ का ऑफिशियल पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अब सिंपली स्टेटस पे क्लिक करके नो योर एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब सिंपली रजिस्ट्रेशन नंबर पे आप क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे गाड़ी नंबर आप डाल दीजिए, यानी कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, और ये जो कैप्चा वर्ड है इसको यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने इस तरीके से डिटेल्स ओपन होके आ जाएगी। अब जो भी आपकी एप्लीकेशन है, यानी कि जिस सर्विस के लिए भी आपने अप्लाई किया है, तो वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। जैसे इशू ऑफ एनओसी हो गया, एचपी टर्मिनेट हो गया, और जितनी भी सर्विसेज के लिए आपने फास्ट में अप्लाई किया है, उन सब की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। तो जिस सर्विस का भी आप एप्लीकेशन नंबर देखना चाहते हो, उसके सामने आप देख सकते हो। अगर जैसे हम अगर एचपी टर्मिनेट का एप्लीकेशन नंबर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर एचपी टर्मिनेट का है। अगर हम इशू ऑफ एनओसी जो है इसका एप्लीकेशन नंबर देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे इशू ऑफ एनओसी का एप्लीकेशन नंबर ये है। तो यहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे आपको स्टेटस दिख जाएगा, क्या स्टेटस चल रहा है आपके एप्लीकेशन का। अगर आप कंप्लीट एप्लीकेशन स्टेटस देखना चाहते हो, तो शो डिटेल्स पे क्लिक करके आप पूरा स्टेटस देख सकते हो कि क्या स्टेटस चल रहा है आपके एप्लीकेशन का। तो दोस्तों, ये तरीका है जिस तरीके से आप अपने व्हीकल का एप्लीकेशन नंबर खोज सकते हैं, चाहे आपका कोई सा भी व्हीकल का एप्लीकेशन नंबर हो। इस तरीके से आप इजीली सर्च कर सकते हो, इजीली फाइंड कर सकते हो। व्हीकल रिलेटेड आपको अगर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दीजिए व्हीकल। तो व्हीकल रिलेटेड ऐसा लगभग सभी वीडियो दिख जाएगी आपको, चाहे व्हीकल ट्रांसफर हो, व्हीकल एचपी टर्मिनेट, व्हीकल डुप्लीकेट आरसी, व्हीकल व्हीकल आरसी एड्रेस चेंज, व्हीकल आरसी स्टेटस किस तरीके से देख सकते हैं, आरसी की डिटेल्स नहीं दिख पा रही है तो उसका बैकलॉग एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, व्हीकल की कंप्लीट डिटेल्स आप किस तरीके से देख सकते हो, पूरी हिस्ट्री आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, व्हीकल के एप्लीकेशन को कैंसिल या डिस्पोज या डिलीट किस तरीके से आप कर सकते हैं, और भी काफ़ी वीडियो दिख जाएगी। अगर आप सिर्फ सिंपली व्हीकल ट्रांसफर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो व्हीकल ट्रांसफर यहाँ पे डाल दीजिएगा, व्हीकल ट्रांसफर की वीडियो आपको दिख जाएगी। अगर व्हीकल एनओसी के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो व्हीकल एनओसी डाल दीजिएगा, व्हीकल एनओसी की वीडियो दिख जाएगी। और अगर आपको व्हीकल एचपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो व्हीकल एचपी की वीडियो यहाँ पे दिख जाएगी। तो जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ पे डाल दीजिए, उससे रिलेटेड टर्म यहाँ पे डाल दीजिए, उसके रिगार्डिंग वीडियो दिख जाएगी। अगर आप ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो सारी वीडियो यहाँ पे दिख जाएगी, चाहे व्हीकल ड्राइविंग लर्नर लाइसेंस हो, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एड्रेस चेंज, नेम चेंज, और अदर जितने भी लाइसेंस है, सबकी वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। अगर कोई आपका ऐसा डाउट है जिसकी वीडियो यहाँ पे आपको नहीं मिल पा रही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिलेटेड भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, या कमेंट बॉक्स में ही आपके रिप्लाई कर दूंगा किस तरीके से आपको क्या करना है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। आगे दोस्तों आपको किस टॉपिक के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप बता दीजिएगा। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से, तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।